हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मोनोरमा, मेरी टॉप किचन में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, इंटरनेट में वायरल हुआ यही मैं टमाटर चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। नहीं फ्रेंड, मैं कुछ अलग तरीका से बना रही हूँ, तो आप सब वीडियो की लास्ट तक जरूर रहना, तभी आप सबको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैंने टमाटर ले लिया और अच्छे से धो के ले लिया फ्रेंड। मैं ऐसे करके ट्राई कर रही थी फ्रेंड, जो एक साथ टमाटर बहुत सारा टमाटर रख के फिर काट लेते हैं ना, तो ऐसे ही मैं काटने के लिए ट्राई कर रही थी, तो ये हो ही नहीं पाए, तो बीच में मैं छोड़ दिया और एक एक करके टमाटर काट के रेडी कर लिया। आप सब भी ऐसे ट्राई नहीं करना फ्रेंड, क्योंकि इसमें टमाटर पिचक जाता है और ख़राब भी हो जाता है, तो इसीलिए आप सब भी एक एक करके टमाटर को काट के रेडी कर लेना। ये देखिए टमाटर तो काट के रेडी कर लिया, अभी कढ़ाई भी चढ़ा दिया और कढ़ाई पर मैं दे दिया, अभी कढ़ाई पर दे दिया एक चम्मच जैसे मस्टर्ड ऑयल। हाँ फ्रेंड, मैंने तो बताया ही आप सबको, मैं मेरी तरीका से मैं बनाऊंगी ये। तो ये देखिए मस्टर्ड ऑयल दे दिया और एक पिंच जैसे नमक मैं पहले ही दे दिया। अभी कटा हुआ टमाटर मैं दे देती हूँ। आपके घर के जितना मेंबर है इतना आप चटनी बना सकते हो, तो मैं थोड़ा कम करके बना के आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। ऊपर से और एक पिंच जैसे नमक दे देना है। ये नमक देने से बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है और बहुत अच्छे से अंदर तक नमक भी चले जाते हैं फ्रेंड। तो और मैं लहसुन दे दिया, 10 से 12 लहसुन दे दिया अच्छे से। और ये देखिए 5 मिनट तक इसे मैं ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम में कुक कर लिया और बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हो ये जो स्मोकी फ्लेवर है ना, ये इस चटनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, तो अभी मैं दूसरी साइड चेंज कर दिया और 5 मिनट के लिए इसे कुक होने देती हूँ। ये बन के पूरा रेडी हो गया फ्रेंड। तो अभी मैं इसे निकल लेती हूँ और निकल के थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से बनके रेडी हो गया। ये देखिए एक बर्तन में पहले मैं लहसुन लेके पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। पोटैटो मैशर से मैश करने से ये जो लहसुन है ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बन जाएगा, दाना दाना रहेगा और मुंह में आएगा तब बहुत अच्छा स्वाद आता है फ्रेंड। और ये देखिए टमाटर ऐसे लेके मैं अच्छे से इसे क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे लेने से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और गर्म भी बहुत कम लगता है फ्रेंड। तो ये देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया, ऐसे करके मैं सारे टमाटर मैं क्लीन कर लेती हूँ। टमाटर तो ले लिया, अभी मैं ये पोटैटो मैशर से टमाटर लहसुन एक साथ अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड, ये ख्याल रखना ये ग्राइंडर में देके बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा और इस चटनी का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आप चाहो तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हो, नहीं तो चम्मच लेके भी कर सकते हो, क्योंकि चम्मच से भी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना इसीलिए। तो ये देखिए अभी मैं दे देती हूँ कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, साथ में मैं दे देती हूँ कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा दे देती हूँ काला नमक, प्लेन नमक, साथ में एक पिंच जैसे चीनी भी दे दिया फ्रेंड। तो ये स्किप हो गया, तो आप सबको मैं बता दिया फ्रेंड। तो एक पिंच चीनी देने से ये स्वाद और ज्यादा हो जाता है। ये तो टमाटर चटनी है तो फिर खट्टा तो है फ्रेंड, फिर भी मैं अलग खट्टा एक यूज करूंगी। एक चम्मच जैसे लेमन जूस दे दिया, आप चाहो तो चाट मसाला भी यूज कर सकते हो। और मैं दे दिया एक चम्मच जैसे कच्चा मस्टर्ड ऑयल, ये दे के अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना। कच्चा मस्टर्ड ऑयल है ना, ये देने से ये स्वाद और ज्यादा हो जाता है फ्रेंड। लास्ट पर मैं दे दिया कि एक चम्मच जैसे मैगी मसाला ऐड कर दिया, और हाँ फ्रेंड इसका स्वाद और ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप सब जरूर एक बार ट्राई करना, तभी आप सबको पता चलेगा ये रेसिपी कितना स्वाद होता है। तो ये देखिए ये तो टमाटर चटनी बनके मेरी रेडी हो गया फ्रेंड। आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ फ्रेंड, मेरी तरीका से आप सब टमाटर चटनी बना रहे हो या नहीं मुझे जरूर बताना। और ये देखिए ये तो टमाटर चटनी बनके रेडी हो गया। तो अभी मैं अगली वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।